साईयो। अभी अहमदनगर से लौटा हूँ साईं। सबसे पहले आपकी अमानत आपको लौटाने आ गए। ये क्या है? बंदा रुपया साईं, जो आपने चांदोरगढ़ जी से मांगा था। ये बंदा रुपया नहीं मांगा था मैंने तात्या। ये बंदा रुपया नहीं मांगा था मतलब? बंदा रुपया तो इसी को बोलते हैं ना साईं। याद करो तात्या, मैंने क्या कहा था? नाना साहेब चांदोरकर को स्मरण कराने का समय आ गया है कि वो मेरा बंदा रुपया है, मेरा संपूर्ण शिष्य। बंदा रुपया, संपूर्ण शिष्य, वो वाली बात। मैं उनसे वो कह नहीं पाया क्योंकि वो पहले से ही बोलने लगे कि उन्हें किसी बाबा या किसी फकीर पर विश्वास नहीं। बंदा रुपया सुना उन्होंने तो वो सोचने लगे कि मैं उनसे चंदा मांगने आया, और वो नाराज हो गया। फिर आखिर में मुझे ये दे दिया। और सच कहूं साईं, उनके सामने मेरी हिम्मत नहीं हुई ज्यादा कुछ बोलने की। समझ आते आते आती है, संदेश के संकेत को समझना उसके परिवर्तन का आरंभ होगा। तात्या, तुम थके होगे, जाकर आराम करो। जी साईं। मन में साईं के क्या है, कौन जान पाए। ओम साईं ओम। शिरडी आने की तैयारी में हफ्ते भर से कोई बिक्री नहीं हुई, कोई कमाई नहीं हुई। भगवान करे आज अच्छी बिक्री हो और यहाँ लोगों को हमारे बनाए हुए मसाले अच्छे लगे। ईमानदारी से अपना काम करते आ रहे हम लोग, ऊपर वाला हमें इसका फल जरूर देगा। समय निकलता जा रहा है, पैसे अगर जल्द से जल्द जमा नहीं हुए तो
मुझे तो सोच के भी डर लग रहा है। माजी माजी प्रभाकर रजनी साई प्रणाम साई पहले तुम मेरे साथ आओ जल्दी चलो क्या हुआ साई हमें कहाँ जाना है सब बताता हूँ कुछ कपड़े ले लो और चलो मेरे साथ ठीक है साई वो कौन था सपने में आओ अब ठीक तो है क्या हुआ आप इतनी देर तक तो कभी नहीं सोते हैं उस सपने की वजह से मैं देर तक सोता रह गया आहो सब ठीक है ना हाँ हाँ सब ठीक है क्या हुआ सुबह सुबह थकी हुई लग रही हो रात भर नींद नहीं आई क्या हुआ मैंने आपको बताया था ना कि कई दिनों से मुझे एक ही सपना आ रहा है अब तो मुझे सोने से भी डर लगता है कि कहीं सो गई तो फिर से वही सपना आएगा और सपने में वो फकीर मेरे सामने झूरे फैलाएगा और मैं उसे कुछ नहीं दे पाऊंगी रात में नींद पूरी नहीं होती है तो दिन में आंख लग जाती है लेकिन अब तो वो सपना दिन में भी आने लगा है ईश्वर ने हमें सब कुछ दिया है फिर भी हमारे यहां से कोई भिक्षुक खाली हाथ लौट जाए यही बात मुझे खाए जा रही है मैं जानती हूं कि आप यही कहोगे कि ये सब अंधविश्वास है ये फकीर ये बैरागी सब मामूली इंसान होते हैं आप इनमें नहीं मानते हैं लेकिन सच ये भी है कि मेरा मन अशांत है तुमने ठीक कहा इन सपनों को जितना जियो ये उतना ही हकीकत लगते हैं अजीब सपने मुझे भी आते हैं लेकिन मैं उन्हें तवज्जो नहीं देता लेकिन मेरा मन नहीं मानता मुझे लगता है कि ये कोई सपना नहीं है किसी होने का संकेत है हाँ 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 संकेत है ना बिल्कुल संकेत है यही कि तुम्हारा स्वास्थ्य खराब हो सकता है अगर तुमने इन सपनों के बारे में सोचना नहीं छोड़ा तो आप स्नान कर लीजिए मैं पूजा की तैयारी करती हूँ साई अचानक ऐसा क्या हुआ कि आप हमें ऐसे लेने आ गए हम कहाँ जा रहे हैं साई तुम्हारे भाई प्रकाश के घर कुछ दिन तुम लोग वहीं रहोगे लेकिन क्यों साई प्रभाकर भाव गजब हो गया भाव क्या हुआ अभी अभी तुम्हारे घर की छत गिर गई क्या बात कर रहे हो हाँ भाव छत इस तरह गिरी है कि अगर आप तीनों में से कोई अंदर होता तो बुरी तरह जख्मी हो जाता
आपको पहले से पता था ना सही कि ऐसे होने वाला है। आपने हमें बचाया, आपका करिश्मा है। करिश्मा नहीं, मेरी आदत ने तुम्हें बचाया। आसपास क्या हो रहा है उस पर ध्यान रखने की आदत। जब मैं तुम्हारे घर के सामने से गुजर रहा था तो मैंने देखा वो दरार काफी थी ये बताने को कि छत ज्यादा देर नहीं टिकेगी। जीवन में हर चीज अच्छी या बुरी घटित होने से पहले कोई ना कोई संकेत जरूर देती है, जैसे आसमान को देखकर आने वाले मौसम के संकेत मिल जाते हैं। उन संकेतों को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए क्योंकि उनके जरिए ईश्वर हमसे बात करता है, हमें तैयार करता है जो भी घटने वाला है उसका सामना करने के लिए। माफ करना, वो कल रात बहुत थक गई थी तो तुम्हारा घर दिखा, यही बैठ गई, पता नहीं चला कब आग लग। मैंने कल आपको देखा था, आप कौन है? क्या मैं आपको कहीं पहुंचा सकता हूँ? नहीं बेटा, परेशान मत होना, इस अभागी का कोई ठिकाना नहीं। लेकिन आपका कोई तो होगा। मेरे पास अपना कहने के लिए सिर्फ अपना नाम है। और मेरे राम जी, जहां से आई हूं वो रास्ता भूल चुकी हूं, कहां जाना है ढूंढ रही हूं। इस यात्रा में तुम्हारे घर शरण मिली, इसलिए धन्यवाद। अभी तो नया सफर शुरू हुआ है, अच्छाई को उसका फल मिलने वाला है, समय दीजिए। मुझे जाना होगा, किसी को मेरी जरूरत है। तुम लोग प्रकाश के घर पहुंचो। आहो, इनका बदन तो तप रहा है। तुम जाओ पानी लेके आओ। तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, नहीं तो होश में आ जाती।
अब क्या करें? मैं इन्हें देखती हूँ, आप जरा आस पड़ोस में बात करिए, शायद कोई मदद मिल जाए। बाबा, मुझे लगा शायद तुम्हें मेरी जरूरत है। आइए बाबा। बाबा, ये बूढ़ी अम्मा, इन्होंने रात हमारे यहाँ शरण ली, जाने लगी थी कि अचानक बेसुध हो गई। रात को ठंड भी बहुत थी, मुझे लगता है ये उसी का असर है। इनका कोई अता पता भी नहीं है, शायद बेघर हैं ये, इनके पास जाने के लिए कोई जगह नहीं है। जिनके पास जाने के लिए कोई जगह नहीं होती, सारा संसार ही उनका घर होता है। सरस्वती नाम है इनका। कल मारुति मंदिर में बैठी थी, मारुति से प्रार्थना कर रही थी इन्हें इनकी मंजिल तक पहुंचाने की। लगता है मारुति ने इनकी बात सुन ली। मुझे पानी पीने का पात्र चाहिए। लाती हूँ बाबा। ओ जीवन डगर कभी जो कठिन हो जाए, मन विचलित हो और कोई मार्ग न पाए, अंधियारे की गहरी रात जो आए, हिम्मत टूटे और कुछ भी समझ न आए, तू श्रद्धा पथ पे सबूरी धर के बिना डिगे बस चलता जा। तू श्रद्धा पथ पे सबूरी धर के बिना डिगे बस चलता जा, श्रद्धा भक्ति धीर तुझे उस पार लगाए, तेरा संयम और विश्वास तुझे राह दिखाए। ओम साई ओम साई ओम साई ओम साई ओम। खोलू माई, लेटे रहिए माँ जी, आराम करिए। एकदम अंधेरा सा आ गया आपके सामने। ये पी लीजिए।
बेहतर लग रहा है। कुछ देर में आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। आपने कल से मेरी इतनी मदद की, लेकिन मुझे आपका नाम भी नहीं पता। ये साई है माँ जी, साई बाबा। साई, आप ही है साई। मैं जब आपसे मिली तो मुझे नहीं पता था कि आप ही को लोग साई बाबा कहते हैं। जब से हम यहाँ आए हैं तब से इन्होंने हमें भी बहुत मदद की है। एक दूसरे की मदद करके आगे बढ़ना, ये तो हर मनुष्य का कर्तव्य है। लेकिन मैं किसी की भी मदद नहीं कर सकती, बस कर सकती हूँ तो इतना कि सबकी जिंदगी से दूर रहूं। ताकि किसी पे भी बोझ न बन सकूं। ऐसा मत सोचिए माई, आपके पास तो देने के लिए आपकी ममता है, जिसके लिए ना जाने कितने लोग तरस रहे हैं। और ममता का मोल तो उससे पूछिए जिसे कभी मां का प्यार नहीं मिला। लेकिन ममता से गुजारा नहीं होता साई, पेट नहीं भरता। जिसने भूख दी है वो रोटी भी देगा माई। आप लोगों ने इतना किया मेरे लिए, मैं कभी नहीं भूल पाऊंगी। अब चलती हूँ। लेकिन आप जाएंगे कहाँ? जहां मेरे राम जी लेके जाएंगे। शायद राम जी आपको वहीं ले आए जहां आपकी ममता की जरूरत है। तुम दोनों से मुझे कुछ बात करनी है, आओ। तुम दोनों यहां नए हो, अभी घर गृहस्थी बैठानी है। अगर मदद के लिए कोई होगा तो सुविधा होगी। तुम दोनों काम कर सकते हो और ये बेला का ध्यान रख सकती हैं। इनकी ममता को घर मिल जाएगा, परिवार मिल जाएगा और बेला को आजी मिल जाएगी, जिनके साथ वो खेल सकती है, जिनसे कहानियां सुन सकती है।
हमारे साथ भी कोई बड़ा बुजुर्ग होता जो हमें बता सकता कि छोटे बच्चों को कैसे संभालना चाहिए। इससे सबको लाभ होगा। बाकी जैसा तुम लोग ठीक समझो। नहीं नहीं, हमें कोई परेशानी नहीं है, बल्कि अच्छा ही होगा अगर ये हमारे साथ रहे। हम और निश्चिंत हो जाएंगे और मसाले बेचने जा सकेंगे। लेकिन साईं, हमें इनके बारे में कुछ भी नहीं पता है, और फिर अपनी बच्ची की जिम्मेदारी के लिए हम इन पर कैसे विश्वास कर सकते हैं? इंसान की नीयत उसकी आंखों में दिखी जाती है। अगर छल या झूठ दिखा तो छोड़ दो। माँ जी, आप आज से यहीं रहिएगा। हमारे पास ज्यादा तो नहीं है, लेकिन जो भी है मिल बैठ के खा लेंगे। क्या? हाँ माँ जी, आज से हमारा काम शुरू हो रहा है। हो सकता है मसाले बेचने के लिए हम दोनों को जाना पड़े, और फिर इतनी धूप में बेला को साथ लेकर तो नहीं जा सकते। आप घर भी संभाल लीजिएगा और बेला को भी, काम हम देख लेंगे। बोलो माई, मंजूर है? ये बेला है, आप नहा लीजिए, थोड़ा खा पी लेंगी तो बेहतर लगेगा, तब तक बेला भी जाग जाएगी। राम जी भला करें। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.